सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त संदीप और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल संदीप टेक्निकल पॉइंट। भाई रियल लाइफ में अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज़ को बार बार उसी टाइप से कंटिन्यूसली रोज़ रोज़ देखने लगते हैं तो हम उस चीज़ से एक दिन बोर हो जाते हैं। जैसे आप लोग किसी चीज़ को बार बार देखने लगते हो एक ही टाइप से, तो आप लोग कन्फर्म है कि उस चीज़ से कुछ दिनों बाद बोर हो जाओगे, आप लोगों को डिफरेंट देखने का मूड बनेगा। भाई सेम चीज़ होती है हमारी मोबाइल के साथ, अपनी मोबाइल को रोज़ रोज़ उसी इंटरफेस के साथ, उसी फीचर के साथ, उसी लुक के साथ देखते देखते भाई हम लोग पूरी तरह हो जाते हैं बोर। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपने पुराने घिसे टूटे हुए मोबाइल के लुक को आप लोग एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह कैसे बना सकते हैं। देखने वाला ये कहेगा कि भाई ये ज़रूर महंगा फ़ोन है, तो आप लोग अपने फ़ोन को इस तरह से कुछ बना सकते हो। सो गाइस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल भी होगी, क्योंकि आप लोग 100% कन्फर्म है कि अपने घिसे पेटे मोबाइल के इंटरफेस से ज़रूर परेशान हो गए होंगे और पूरी तरह अपने मोबाइल से बोर हो गए होंगे। तो भाई आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को हमारे इस चैनल पे हमेशा टाइम टू टाइम आप लोगों के ज़रूरत की वीडियोस देखने को मिलती रहेगी। सो गाइस चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। सो गाइस आप लोगों को अपनी घिसी पिटी हुई मोबाइल के घिसे पिटे हुए मरियल लुक को एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह चेंज करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को चले जाना है अपने प्ले स्टोर पे। देन यहाँ पे आप लोगों को सर्च करना है कूलर लॉन्चर। जैसे ही आप लोग कूलर लॉन्चर सर्च करेंगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आप लोगों को शो होगा। तो आप लोग भाई इसको मैं पहले ही बता देता हूँ कि लॉन्चर नाम सुन के हल्के में बिल्कुल मत लेना। सो इसके बाद आप लोगों को आ जाना है आप लोगों की मोबाइल की होम स्क्रीन पर और यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करना है। देन आपको इसकी कूलर की सेटिंग पे चले जाना है और इस सेटेज डिफ़ॉल्ट लॉन्चर को ऑन कर देना है, इसको अनेबल कर देना है। देन आपको आ जाना है फिर से बैक। अब बात कर लेता हूँ भाई इसके फीचर्स की। तो सबसे पहले आप लोगों को भाई देखने को मिलेगा गूगल सर्च बार। आप लोग इसको जैसा चाहो, गोल, लंबा, टेढ़ा, मोटा, पतला, ऊँचा, नीचा, भाई टोटली अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो टोटली। अब देखने को मिल जाएगा आप लोगों को घड़ी। इस घड़ी को भाई आप जिस लुक में चाहो उस लुक में ला सकते हो, अपने हिसाब से टोटली कस्टमाइज कर सकते हो। मैं आप लोगों को थोड़ा दिखा देता हूँ। ये देखो इस घड़ी को आप इतने टाइप से अपनी स्क्रीन पे लगा सकते हो। भाई आप लोगों को इतने मिल जाती हैं घड़ी टाइप कि क्या होता है, इतने ब्रांडेड घड़ी के टाइप्स मिल जाते हैं, आप लोग देख सकते हो खुद ही। अब देखने को मिलेगा आप लोगों को मेन ऐप। भाई इस ऐप को आप लोग जैसा चाहो, गोल, मठोल, टेढ़, दिल वगैरह वगैरह, जितने टाइप के भाई इसको आप बनाना चाहो उतने टाइप से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो टोटली अपने हिसाब से, ऊंचा, नीचा, टेढ़ा, मोटा, गोल, भाई जैसे चाहो आप। ठीक, अब आता है नीचे इसका टेक्स्ट। टेक्स्ट को आप चाहो जिस फॉन्ट में कन्वर्ट कर दो, जिस लैंग्वेज में, जिस कलर में कर दो, जिस टाइप से छोटा मोटा कर दो, मतलब भाई टोटली अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो आप इस चीज़ को भी। इसके बाद आप लोगों को इसकी वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हो वॉलपेपर क्या बिंदास लग रहा है। तो जैसे ही मैं इसको स्वाइप अप करूँगा तो आप लोग देखना ये पूरा वॉलपेपर एकदम से ब्लर हो जाएगा। ये देखो आप लोग, ये इसका सबसे बड़ा ख़ास फीचर है। आप लोग इस ब्लर को कम ज़्यादा कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो, मतलब टोटली चीज़ भाई अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। सेम चीज़ यहाँ भी है कि आप लोग ऐप को कस्टमाइज कर सकते हो, टेक्स्ट को कस्टमाइज कर सकते हो, इसके साइज को कहें भाई ये गूगल बार, ये इधर राइट होगा ऐप्स बार या फिर डाउन अप होगा, मतलब भाई जो चीज़ें हैं मोबाइल के अंदर उन सब चीज़ों को आप मतलब कस्टमाइज अपने हिसाब से कर सकते हो। ये फीचर इस सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोवाइड किया गया है कि आप हर एक चीज़ों को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं जैसा आप लोगों को पसंद हो। तो भाई इन सब फीचर्स को आप लोगों को यूज करना सीखना पड़ेगा। एक दो दिन आप लोगों को लग जाएगा इसको यूज करते हुए। अगर आप लोग एक घंटे में भी सीख लेते हैं तो आप लोगों को बहुत बेहतर है। बाकी आप लोग इसकी सेटिंग्स वगैरह देख सकते हो, यहाँ से बहुत सारी अंदर चीज़ें मिलेगी आप लोगों को। तो भाई दो मिनट की वीडियो में ये सब चीज़ें बता पाना पॉसिबल नहीं है। आप लोगों को अगर अलग से वीडियो चाहिए तो आप लोग बता देना, मैं हर एक फीचर्स का डिटेल से वीडियो एक्सप्लेन करके आप लोगों को बना दूंगा और आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। सो गाइज आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में बस इतना ही। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सो गाइज आज के इस टॉपिक को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।